गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा वीरेन सिंह। मेरा लास्ट ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। आज फिर किचन से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज हमारे घर कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये हम आगे बताएंगे, तो दिखाएंगे आप कौन आ रहा है। तो करते हैं अपना किचन का काम ख़त्म करते हैं फटाफट से उनके आने से पहले, ताकि उनके साथ बैठ सके, बात कर सके। तो बनाते हैं, अब देखिए चाय रखते हैं, चाय के साथ सब्जी वगैरह बना के तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं। व्लॉग भी बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन आ रहा है। तो मिलते हैं आके, जब तक व्लॉग में बने रहिएगा। हमारे घर आए थे हमारे मामा मामी जी, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा मामी जी, तो ये वही हैं। हेलो एवरीवन, तो हम आज भी निकल गए हैं और आज हम फिर से वहीं जा रहे हैं जहां कल गए थे। आज कुछ काम है और क्या काम है वो आगे आपको दिखेगा, दिखाएंगे हम क्या काम है और कुछ रेसिपी शेयर करेंगे अपनी। हाँ, आज ये भी आए हैं हमारे साथ। हेलो करो, अच्छा इधर बोलो, ए? बोलो हेलो। हाँ देखो हेलो कर रहा है, हेलो कर रहा है ये। तो आज हम तैयार तो है हनु, हनु क्या तैयार होना है बेटा? क्या हुआ, कौन नहीं आया आनी? हाँ हाँ आज हम सब आए हैं, मम्मी भी आई है आज साथ में। ये अनी भी आई है। अनी कौन रह गया आज? चाचा। चाचा नहीं आए? हाँ। आज चाचा नहीं आए? हाँ। कब आएंगे चाचा? चाचा हाँ? क्या? जोशी गए? जोशी हाँ? ता कौन नहीं आए चाचा? हेलो बोलो हनु, इधर से हेलो बोलो। हेलो हेलो नहीं हेलो कर रहा है। चलिए व्लॉग में बने रहिएगा, तो दिखाते हैं आज क्या करेंगे हम। अरे नीचे गिर गई। कैप कहाँ है? कैप कहाँ है मेरे बेटे? ये पाई। आ जाओ आगे। मम्मी देखी जो बोल। जल्दी लगा ले। फिर बोलेंगे कि कैप भी नहीं लगा रखी है नीने, तो जल्दी आ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम फिर से वहीं आए हैं, अपने सेकंड होम में कह सकते हैं, सेकंड गांव कह सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा और वो भी चूल्हे पे। तो उसकी हमने ली थी, ये 5 किलो गाजर ली है, उसमें दूध डाला है 5 किलो गाजर में 3.5 किलो। अब 3.5 किलो दूध डालने के बाद में जब ये पक जाएगा तब उसमें डालेंगे हम 1 किलो खोआ। तो देखते हैं अभी कितनी देर में बन के तैयार होता है। जैसे जैसे तैयार होता जाएगा आपको हम दिखाते जाएंगे, और व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो देखना रह जाएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है आगे आगे इस वीडियो में। तो ये आंसू जो है धुएं की वजह से आ रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन यार चूल्हे पे काम करने का भी एक अपना अलग मज़ा है, वो भी खाली सर्दी का, गर्मी नहीं। सर्दी में तो अच्छा लगता है, और जो डेली काम करते हैं उनकी हिम्मत कह सकते हैं कि उनकी हिम्मत है कि वो गर्मियों में भी काम करते हैं चूल्हे पे। चलिए तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तो भाई टाइम लगेगा हलवा बनने में, जैसे जैसे तैयार होगा आपको दिखाते रहेंगे। अब देखो दूध काफी कम हुआ है पहले से, और अभी भी टाइम है काफी। Thank you.
दूध पक गया था गाजर का, अब इसमें हमने मावा डाल दिया, जो 1 किलो मावा था वो हमने मिला दिया। ये देखिए हमारी बड़ी भाभी लगी हुई है इसको, क्योंकि अकेले तो पूरा टाइम लगे रहना मुश्किल था। इसमें लगभग हमने 750 ग्राम के करीब चीनी भी मिला दी थी। अब हम चल रहे हैं वापस घर को, बज गए हैं 11 है, 11 है, कितना हो गया, 11:15 हो गए है। तो अब चलते हैं घर को, और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। हनु बाय करो, बाय।